सुनो विद्या सागर की रचना जो कहलाती है हाइकू, जो कहलाती है हाइकू। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज द्वारा रचित हाइकू काव्य संख्या 92 बिना खिलौना कैसे किससे खेलूं बनूं खिलौना। आचार्य श्री जी का हाइकू अंत में कि बिना खिलौना कैसे किससे खेलूं, बिना खिलौना कैसे किससे खेलूं बनूं खिलौना। बस आप एक खिलौना बन जाएं तभी हम खेल पाएंगे। अर्थ ये है कि आचार्य श्री जी ने पद्यानुवाद भी इसका बहुत सुंदर किया है, खेल सको तो खेल लो एक अनूठा खेल, खेल सको तो खेल लो एक अनूठा खेल। आप खिलौना आप ही बनो, खिलौना खेल बस वह आत्मा रूपी जो खिलौना है हमारे पास उससे खेलना है, शरीर की ओर ध्यान नहीं देना है। दोनों खिलौने अपने पास में हैं, पर इससे बचते हुए अपने आप को हम आगे बढ़ाएं तभी हम उस जो है निजात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हाइक्यू व्याख्याकार परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज। सुनो विद्या सागर की रचना जो कहलाती है हाइकू, जो कहलाती है हाइकू।